गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द एक्सप्लोरर वर्ल्ड पे। जिस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतज़ार था, जो लैंडस्लाइड हुआ था थाच नाले के पास, मैंने कई दिनों से आपको कहा था कि मैं आपको अपडेट देते रहूँगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वहाँ पे कोई काम हो ही नहीं रहा था, बट सडनली आज वहाँ पे काम चालू हो चुका है। वहाँ पे आज कई मजदूर चले हुए हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं। आज उस पहाड़ को वो गिराएंगे, उस पहाड़ को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे और लोगों का डर पूरी तरह से ख़त्म भी हो जाएगा और आसानी से वहाँ से यातायात अच्छे से चलेगा और कोई किसी को भी कोई डर होगा नहीं कि ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, तो इस प्रकार का कोई डर होगा ही नहीं क्योंकि आज वहाँ पे सॉल्यूशन निकल रहा है। तो गाइस, आज हम उसी लोकेशन में फिर से जा रहे हैं, फिर से मैं आपको अपडेट दूंगा, वहाँ की लास्ट अपडेट मैं आपको दूंगा। तो लास्ट अपडेट बची है वो आपको मैं देते रहूंगा, तो मिलेंगे आगे उसी स्पॉट पे। फिर से जा रहा हूँ, काफी दरारें आ चुकी है, सब कुछ दिखाऊंगा मैं आपको अच्छे से, तो चलेंगे उसी स्पॉट पे, तो मिलेंगे वहीं पे। तो आखिरकार आज सॉल्यूशन निकलने ही वाला है, तो वहीं जाके पता लगेगा। मैं आपको सब कुछ जानकारी देते रहूंगा, हर तरह की जानकारी मैं आपको देते रहूंगा उस स्पॉट की, तो मिलेंगे वहीं जगह पे, उसी जगह पे मिलेंगे। तो बने रहेगा मेरे वीडियो के साथ, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहना क्योंकि सब कुछ पता चलेगा, वो पहाड़ कैसे फोड़ रहे हैं, किस तरह से फोड़ रहे हैं, सारा दिखाऊंगा मैं आपको, मिलेंगे आगे। तो दोस्तों, हमें जितना पता लगा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बड़ा वाला चट्टान है उसे नहीं गिराया जा रहा है, बस जो वहाँ पे छोटे मोटे पत्थर रखे हैं बस उसे ही गिराया जा रहा है। तो ये काफ़ी दुख की बात भी है, अगर ये मेन बड़े पत्थर को गिराया जाता तो शायद सारा सॉल्यूशन निकल जाता, लोगों का डर भी खत्म हो जाता, पर ये बड़ी चट्टान को बिल्कुल भी नहीं गिरा रहे, ऐसा मैंने सुना है फिलहाल। तो बाकी देखते आगे जाके क्या होता है, सारा दिखाता हूँ वो पत्थर कैसे सारे पत्थर कैसे गिरा रहे हैं, मैं सब कुछ दिखाऊंगा। तो चलेंगे उसी सपोर्ट पे आगे जैसे जाएंगे। स्पोर्ट के लिए यहाँ पे रस्सी बांधी हुई है, देख सकते हैं, अगर कोई दिक्कत आएगी तो इस रस्सी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर काम शुरू हो चुका है। आगे उस नीचे ढांक के नीचे जहाँ से बहुत बड़ा चट्टान आया था, वहाँ पे मजदूर लगे हुए हैं, अपनी जान पे जोखिम बनाए हुए हैं, तो उस वहाँ पे डटे हुए अभी काम कर रहे हैं। तो मैं आगे जाके दिखाऊंगा, आज बहुत क्लोज जाऊंगा मैं, आज पहले मैं इतने क्लोज नहीं गया था, आज मैं बहुत क्लोज जाऊंगा, उस तरार के पास जाऊंगा, उस बहुत नज़दीक जाऊंगा, दिखाऊंगा सब कुछ, काम कैसे हो रहा है वहाँ पर सब कुछ दिखाऊंगा। ऐसे तो नहीं जाएगा, नहीं खींचू पूरा, कितना खींचना है थोड़ा यहाँ पे हम काम भी करेंगे, थोड़ा इनकी हेल्प भी करते, थोड़ा यहाँ पे काम भी किया जाएगा, कितना पूरा खींचना है, गिरना नहीं है ना, आराम आराम। तू भी नीचे आ गए रस्सी लेने को, तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे काम शुरू हो चुका है, यहाँ पे जितने भी छोटे बड़े पत्थर दिख रहे हैं इसका सफाया हो जाएगा आज, ये काम शायद 9 से 6 बजे तक चलेगा शाम के, और नीचे यातायात पूरा ठप हो चुका है, सारा यातायात पूरा बंद किया गया है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। देखना तब जाके जाएगा ना, नहीं तो ये भी फंसेगा यहाँ पे। जाएगा जाओ, आप भी करो जाओ, मैं भी मोटी वायरल आ एक बसे रोसे और एक पर एक कूद दे रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं उसी स्पॉट पे आ चुका हूँ, आज इतने सारे मजदूर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो यहाँ पे पूरा मेहनत कर रहे हैं, सारी चट्टानों को आज यहाँ पे खाली करना है, 9 से 6 बजे तक ये काम चलेगा। तो मैं भी यहाँ पे रिस्क लेके आया हूँ और मेरे साथ कैमरामैन भी आ चुके हैं यहाँ पे, तो
तो आपको मैंने कहा था कि मैं पूरी अपडेट दूंगा, आज ये लास्ट वीडियो है मेरी और यहाँ आज पूरा पहाड़ भी ख़त्म हो जाएगा, तो मैं आपको पूरा अपडेट देते रहूँगा शुरू से लेकर एंड तक, तो इस वीडियो के साथ बने रहेगा। तो दोस्तों मेरे हाथ में ये रस्सी है, ये मुझे मजदूर के पास पकड़ानी है, तो आगे जाके कोई ना इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो, अगर ये फायदे में फिसले ना, तो मैंने इसीलिए ये रस्सी इन्हें देनी है, तो ये रस्सी इन तक पहुँचाता हूँ मैं। ये लो ना। बारह से तेरह दिनों के बाद प्रशासन की आंख खुल चुकी है। हो गया? नीचे कटेगा उससे। अच्छा बंदा है ना वो। सर, रस्सी तो नहीं खींचेंगे, वहाँ जमा करके रहेंगे तो ऐसे क्या रस्सी बांधने। तो दोस्तों मैं आपको दूसरी साइड से भी दिखाता हूँ, यहाँ से तो मैंने आपको सब कुछ दिखाया, तो आगे से दिखाऊंगा मैं आपको किस तरह से काम हो रहा है, सब कुछ दिखाऊंगा के साथ, पूरी प्रोटेक्शन के साथ। तो यहाँ पे मजदूर काम कर रहे हैं, हमारे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से दूर भी रहना पड़ेगा। जितना मुझसे हुआ वो मैंने आपको दिखा दिया, बहुत आगे तक इतने नज़दीक जा चुका था, तो मैंने सब कुछ दिखा दिया आपको। अब मैं थोड़ा दूर से दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा रिस्की है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मजदूरों के पास तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन भी है, रस्सियाँ भी है, हम यहाँ पर रह नहीं सकते ज़्यादा देर तक। तो आगे चलता हूँ। प्रशासन से ये बोलना चाहता हूँ, जब तक ये बड़ा वाला जो दरार पड़ी हुई बड़े वाली चट्टान है इसको नहीं गिराएंगे तब तक खतरा नहीं टलने वाला है। इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि ये बड़े वाले को तुरंत किसी भी चाहे कैसे भी गिराए गिरा देना चाहिए, जल्दी से जल्दी गिरा देना चाहिए। बस प्रशासन से मेरी यही निवेदन है, क्योंकि तब तक खतरा नहीं टलेगा जब तक बड़ा पहाड़ को नहीं गिराएंगे। हाँ जी, जैसे कि आपने देखा कि ये जो पहाड़ है बड़ा सा, इसे नहीं गिराया जा रहा है। जो यहाँ पे छोटे मोटे पत्थर है उसे तो चलो फेंक रहे हैं, गिरा रहे हैं, वो अच्छी बात है, बट इसे भी निकालना चाहिए था। मेन खतरा तो यही है। हाँ जी, मेन खतरा यही है, मेन खतरा यही है, यही पहाड़ है सबसे लोगों की डर की वजह। ये बड़ा पहाड़ ही है, ये छोटे छोटे पत्थर थोड़ी ना है, वो तो उनको दिख भी नहीं रहे है। तो ये बड़ा पहाड़ है जो कभी भी आ सकता है, इसे बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है, इसे क्यों नहीं तोड़ रहे है। जब मैं घर से आ रहा था मुझे लगा कि ये पहाड़ का भी सॉल्यूशन निकल जाएगा, इस बड़े पहाड़ को भी तोड़ दिया जाएगा। जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ के लोगों ने कहा, जो यहाँ पे प्रशासन थे, यहाँ पे जो मजदूर थे, इन्होंने कहा कि ये बड़े पहाड़ को नहीं तोड़ा जा रहा है। क्या वजह होगी इसकी अब मुझे ये नहीं पता, तो बाकी अपडेट मैं आपको देते रहूँगा आगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे पत्थर हैं, यहाँ नीचे छोटे मोटे पत्थर हैं, तो इन्होंने कहा है कि ये सारे पत्थर इन्हीं पत्थरों को यहाँ से हटाया जाएगा, बट ये बड़े पहाड़ को तोड़ा नहीं जाएगा आज, जो कि गलत डिसीजन भी है। बिकॉज ये जो बड़ा पहाड़ है बड़ा सा पहाड़ है, खतरा इसी से ही है, लोगों को डर इसी से ही है, कभी भी गिर सकता है, तो ये पहाड़ कभी भी गिर सकता है। असली सॉल्यूशन तो इसका निकाल देना चाहिए था, तो प्रशासन बहुत लापरवाही कर रहा है वैसे तो। चलो इसके लिए मैं मानता हूँ कि ये चट्टाने यहाँ से हटाए जाए, अच्छी बात है, बट इसका भी सॉल्यूशन निकालना चाहिए था, इससे भी हटा देना चाहिए था आज ही के आज। कब तक लोग डरते हुए जाएंगे यहाँ से नीचे, कब डर डर के जिएंगे यहाँ से नीचे। NH है यहाँ से नीचे, कोई लिंक रोड नहीं है, नेशनल हाईवे है यहाँ से नीचे। आप सभी को पता है नेशनल हाईवे क्या होता है। बाकी जो ये मज़दूर यहाँ पे काम कर रहे हैं इन्हें दिल से सलाम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत रिस्क लेके यहाँ पे अपनी जान का रिस्क लेते हुए यहाँ पे आ चुके हैं, काफ़ी मेहनत से यहाँ पे काम कर रहे हैं। आज इनका टारगेट है कि जितने भी यहाँ पे चट्टाने हैं ये इनका सफाया करना है। देख सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर जा रहे हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, जब इस पहाड़ को तोड़ा जाएगा तो मिलेंगे उस वीडियो में। उस पहाड़ को जब तोड़ेंगे तब भी मैं वीडियो बनाऊंगा, दिखाऊंगा, क्या पता थोड़ी देर बाद इस पहाड़ का कोई सॉल्यूशन निकल जाए, प्रशासन तक ये बात पहुंच जाए, क्या पता आज ही इसका कुछ निपटान हो।
तो मैं आपको दिखाऊंगा, वो अपडेट भी मैं आपको देते रहूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में।